वापी नगरपालिका आगामी 28 नवम्बर रोज योजना चूंटी में आम आदमी पार्टी प्रथम वक्त उम्मीदवारों मैदान में उतारता चूंटी त्रिपाखीय जंग बनी रही है। चूंटी गणतरी दिवसों बाकी हो भाजप कांग्रेस आम आदमी पार्टी उम्मीदवार चूंटी जंग जीतवा एडी चोटी जोर लगवा जो कि वोर्ड नंबर 7 में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अरविंद यादव कार लईने अलंग हाउस पास थी पसार कर वक्त बाइक पर आला अजाणी समय कार पर हमला कर आगे वापी जीआईडीसी पुलिस गुनो दाखिल कर सीसीटीवी फूटेज आधार हमलाखोरों की तपास हाथ धरी छे। कल रात की घटना है, दो अज्ञात लोगों ने, उनका पक्ष नहीं पता, उनका नाम नहीं पता, उन लोगों ने वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार अरविंद यादव पे हमला करा, उनकी गाड़ी पे हमला करा। उनको कोई व्यक्तिगत या शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है, गाड़ी को जो भी नुकसान हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमला करवाया? नहीं सर, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमला करवाया। हमने शुरू में ही कहा कि हमने किसी पक्ष का नाम नहीं लिया, हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस शंका किसके ऊपर, निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकल हमला ही हो सकता है। अरविंद एक सामान्य व्यक्ति है, अरविंद का कोई बड़ा प्रोफाइल नहीं है, अरविंद का किसी के साथ कोई पुराना झगड़ा नहीं है, तो इसलिए निश्चित तौर पे पॉलिटिकल ही। और सीट का जो बात चल रही थी कि सब जगह पे हम सीट में खड़ा रखेंगे, और इसी टाइम पे तो कोई किसने अपने दबाव डाला है कि ऐसा कुछ? वो बड़ा संक्रमण काल का दौर था, जब हमने चुनाव जो कैंडिडेट के सिलेक्शन करे थे तो उस दरमियान ऐसा होता था कि दूसरे पक्ष के लोग उनके घरों में जाते थे, सामाजिक दबाव बनाते थे, कई तरह का लोभ देते थे, लोभ से नहीं तो कई दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट। अभी होता क्या है कि जब आप सामान्य आदमी को बाहर निकाल के लाते हो तो उसकी अपनी समस्याएं होती है, रोजी रोटी की समस्याएं होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, हर आदमी खुल के नहीं आना चाहता है राजकारणी के अंदर। हमारी कोशिश है कि सामान्य आदमी को हम राजकारणी के अंदर ले आएँ, तो इस दरमियान वो डरे, काफ़ी लोग बैठे, काफ़ी लोग उन्हीं के पक्ष में उनको खड़ा करा, तो ये चीज़ें होती रही। अच्छा, आपने पुलिस फरियाद की है, कुछ है? पुलिस उसकी पूरी तफ्तीश कर रही है, डिटेल में सुबह भी बात हुई है, कल भी बात हुई है, पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे भी आपने कुछ पुलिस में अर्जी? हाँ, जब हम लोगों ने इस विस्तार के अंदर पहला दिन कैंपेन शुरू किया था 19 को जब हम लोगों ने कैंपेन करा था, तो हमारी महिला उम्मीदवार जो हैं उनके साथ एक गली के अंदर ऐसी घटना हुई थी, उस व्यक्ति का नाम नहीं पता लेकिन घटना हुई थी, जिसके बाद अगले ही दिन हम लोगों ने यहाँ के जो भी स्थानीय हैं और ऊपर में भी हम लोगों ने उसकी कॉपी हम लोगों ने डाली थी कि हमको सुरक्षा दी जाए कैंपेन के दौरान। कार्यालय पर घटना ये हुई कि मैं मामू चाय पर से आ रहा था और खंडू भाई के ऑफिस ट्रांसपोर्ट जो लाइन है टर्निंग पे जो लाइट है ट्रांस, उधर व्यक्ति खड़े थे हेलमेट पहन के, हम लोग स्लो आ ही रहे थे धीमे धीमे, उन्होंने अचानक आके गाड़ी पे मारना चालू कर दिया आगे से 2-4 फटका, लेकिन साइड में उन्होंने मारने की कोशिश किया पर वो मेरे ख्याल से लगता है कि उल्टे हाथ का होगा, इसके लिए फूटा नहीं हो कांच, तो इतने में उन्होंने भाग, उन्होंने गाड़ी से हम लोग जैसे उतरे उसमें उन्होंने भाग गए वो लोग। आपके साथ कौन था? मैं और एक मेरे दोस्त थे। कौन थे? नहीं सर, इतना टाइम ही नहीं मिला देखने को, उन्होंने जो कांच पे जो उन्होंने मारा ना, जो कांच टूटा वो कांच हमारे पूरे शरीर पे, जो आग पे आग में आए और शरीर पे सब आए, फिर मेरे सर को फ़ोन किया गया तो सर को मेरे प्रदीप सर है जो नवसारी की टीम है उनको फ़ोन किया गया, बाकी सब हमारे पूरी टीम मेंबर आई, 100 नंबर पर फ़ोन किया गया, GIDC स्टेशन जाके हम पुलिस कैंपेन करते थे पहले, तो पहली बार आपको कुछ रुकाव के लिए किसी ने दबाव डाला है कि क्या किया? नहीं, दबाव नहीं डाला, ऐसा प्रचार करने हम लोग को नहीं दिया जा रहा था, कैंपिंग कर रहे थे फर्स्ट टाइम, हमने सर को बोला कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। कौन थे वो लोग? ये दो व्यक्ति जो बोलते हैं जिसका ना घर है ना बार है, पी खा के जो जैसे रहते हैं।